पनीर भुर्जी के लिए हमें चाहिए ग्रेटेड पनीर, सरसों की तेल, कसा हुआ अदरक, कसा हुआ लहसुन, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा, नमक स्वाद अनुसार, बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ टमाटर। देखिए मेरा कढ़ाई गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे सरसों की तेल, तेल को हम गर्म करने के लिए छोड़ देंगे। तेल गर्म हो जाने के बाद हम इसमें डालेंगे जीरा। जीरा को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे हम। जीरा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे कसा हुआ लहसुन और कसा हुआ अदरक। अब इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। हम लहसुन और अदरक को तब तक भूनेंगे जब तक ये ब्राउन ना हो जाए। देखिए हमारा जो अदरक और लहसुन है ये ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, इसको हम ज़्यादा फ्राई नहीं करेंगे, इसको हम सौते फ्राई करेंगे। इसको धीमी आंच में हम नहीं पकाएंगे। देखिए हमारा प्याज ये सौते फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। फिर हम इसको चला लेंगे बहुत अच्छे से। टमाटर थोड़ा सा फ्राई होने के बाद हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार। फिर हम इसको बहुत अच्छे से मिला लेंगे। देखिए हमारा जो मसाला है इसमें बहुत अच्छे से मिल गए होंगे। हम बहुत अच्छे से मिला लिया इसको। अब हम इसको ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगाने से क्या होगा, हमारा जो टमाटर है वो पूरा गल जाएगा। देखिए टमाटर जो है पूरा गल चुका है। अब हम इसमें हमारा जो ग्रेटेड पनीर है उसको डाल देंगे। फिर इसको बहुत अच्छे से मिलाएंगे। हम यह चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर किसी का मन है तो फिर वो कर सकते हैं चीनी का इस्तेमाल, कोई मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, कोई भी यूज़ कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते, वो अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करेंगे। जो पनीर है हम इसको बहुत अच्छे से मिला लिया है। हम पनीर को तब तक पकाएंगे जब तक इसका तेल ना छूट जाए, और बीच बीच में चलाना पड़ेगा नहीं तो ये नीचे से पूरा जल जाएगा। तो इसको हम बहुत अच्छे से पकाएंगे जब तक पनीर से तेल ना छूट जाए। देखिए हमारा पनीर से तेल छूटने वाले हैं।
हमारा जो भुर्जी पनीर है ये पूरा तैयार हो चुका है। भुर्जी पनीर आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, चाहे वो चावल हो, रोटी, पराठा, पूरी, सबके साथ ही बहुत अच्छा लगता है। अब हम इसको सर्व कर देंगे।